इस चैनल पर उलमाए किराम के बयानात अपलोड किए जाते हैं। गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। बयान सुने मौलाना मुफ्ती तारिक असरूर साहब, जो कि ईमान अफरोज वाकया सुना रहे हैं। तो जो भी जिना से बचता है ना, याद रखो, जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, ऐसे ही किसी को जिना का मौका मिले और वो बच निकले, उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। तारीख में जिन हस्तियों को भी जिना का मौका मिला और उन्होंने मौका मिलने के बावजूद जिना नहीं किया, उनको अल्लाह ने दुनिया में भी बहुत नवाजा है। ये मेरे वालिद साहब का वाकया है। मेरे वालिद साहब जब अमेरिका गए, कंवारे थे उस वक्त, मेरे वालिद साहब बहुत हैंडसम थे, खूबसूरत थे, और इतना चौड़ा तो उनका सीना था और ऐसी चौड़ी चौड़ी कलाइयां थी, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उनको मर्दाना वजाहत दी थी, और आवाज ऐसी थी जैसे बबर शेर होता है, बहुत ही खूबसूरत आवाज थी, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। आप जाएं अभी हमारे महल्ले में जाके लोगों से पूछें, क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी थी वालिद साहब की हमारे। जब इंतकाल हुआ है ना मेरे वालिद साहब का, तो पूरा महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला। मस्जिद के इमाम साहब जब भी जनाजे का ऐलान करते थे ना, तो रोते नहीं थे, हजारों मैयतों के ऐलान किए थे। मेरे वालिद साहब का जब मस्जिद के इमाम साहब ऐलान कर रहे थे, तीन दफा ऐलान किया, तीनों दफा रोए हैं, इतनी लोगों को उनसे मोहब्बत थी। तो ये कैसे हो गई, ये कैसे हो गई, क्यों अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी और क्यों अल्लाह ने उनको इतना नवाजा। वालिद साहब नेवी में थे, अमेरिका जब फर्स्ट टाइम जहाज गया है, कंवारे थे उस वक्त, तो कंवारा लड़का पाकिस्तानी या इंडियन हो, पहली दफा अमेरिका जाए, हो भी कंवारा, कोई रोकने टोकने वाला ना हो और गुनाह की दावत मिले, बचना कितना मुश्किल है। तो वालिद साहब, ये मैंने वालिद साहब से बराह रास्त नहीं सुना, हमें ऐसी बातें वालिद साहब नहीं करते थे, किसी जरिए से सुना मैंने कि तुम्हारे वालिद साहब ने ये वाकया हमें सुनाया, किसी ने मुझे बताया। कहते हैं कि जब वो गए तो एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की आई और उनको गुनाह की दावत दी। अब एकदम पहली दफा किसी पाकिस्तानी ने ये चीज मंजर देखा हो, ठीक है ना, अमेरिका का एक मंजर होता है ना, अब तो लोग मूवीज में इतना देख चुके होते हैं ना, उस वक्त तो ड्रामे फिल्में भी नहीं होती थी, मूवीज भी नहीं होती थी, तो पहली दफा ही देखा था ये ऐसा मंजर। तो वो घसीट के ले गई अपने घर। जब ये कहें घर पे गया हूं ना, तो मुझ पर अल्लाह का खौफ आ गया, मैंने कहा ये क्या कर रहा हूं मैं। वहां जाके वापस भागे हैं, उधर पहुंचने के बाद उस वो औरत गुस्सा हो रही थी कि अगर तुमने ये काम करना नहीं था तो मेरे साथ आए क्यों, क्यों मेरा खर्चा कराया तुमने, क्यों खर्चा कराया मेरा। तो आदमी और शर्मिंदा हो जाता है ना कि यार। तो वाले साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं किया और मैं यहां पहली दफा आया हूं, अगर मैं इस गुनाह में पड़ गया अल्लाह की नजर मुझसे हट जाएगी। वापस भागे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पे। उस वक्त उनकी उम्र होगी 22 या 23 साल, ज्यादा ज्यादा 24 साल होगी। तो भागे हैं वापस। तो वालिद साहब कहते थे, जो जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया, कि मुझे कहने लगे कि तुम्हारे वालिद साहब कहते थे कि उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या आया है, इनकलाब। फिर अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक दी, हिफ्ज़े कुरान था भूल चुके थे, रोजाना एक कुरान पढ़ने का मामूल बना फिर, ताकि कुरान दोबारा याद हो जाए। जहाज पे 3 साल इमामत की, दाढ़ी बड़ी रख ली माशाल्लाह, और फिर इतनी इज्जत अल्लाह ने उनको दी। अल्लाह ने उनके, हमारे सब भाई माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, सब बहनें शरई पर्दा करती हैं, सब भाभियां पर्दा करती हैं, घर में क्या आ गया पूरा। हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये असरात कहां मुंतकिल हुए हैं, खानदान में, पूरे पूरे खानदान में मुंतकिल हो गए ना। इंतकाल हुआ तो जनाजा मैंने पढ़ाया वाले साहब का। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उस बुराई में पड़ जाते, हमें पता चलता कि हमारा बाप ऐसा है, तो हम ऐसे होते। वैसे तो अभी भी कोई इतने नेक नहीं है, लेकिन गेटअप तो है ना, गेटअप तो अल्लाह ने मौलवी वाला दे दिया ना, थोड़े थोड़े तो देखने की हद तक तो नेक बना दिया ना, ऐसे नहीं होते हम। तो ये जो बरकात है, ये नस्लों में मुंतकिल होती है, नस्लों में। इतनी इज्जत दी अल्लाह ने, इतनी इज्जत दी थी कि इंतकाल के वक्त महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला रो रहा था इंतकाल, और हरे बहुत से लोगों ने वालिद साहब की कब्र के पास ना जगह घेर ली थी कि हम यहां दफन होंगे, यहां। हालांकि मस्जिद के इमाम नहीं थे, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे कि वो कोई मुक्तदा और रहबर समझे जाते हो। तहज्जुद का मामूल था, तिलावत का मामूल था, और मैंने खुद भी कई दफा नोट किया, ऐसा लगता था उनके मुंह से खुशबू आती है, ऐसा महसूस होता था, ऐसा अल्लाह ने, क्योंकि तिलावत बहुत ज्यादा करते थे। जिस जब इंतकाल हुआ है ना, जिस दिन, उस दिन भी आधा घंटा तिलावत करके उठे, तिलावत की इंतकाल से पहले, और बार बार दुआ किया करते थे कि अल्लाह बिस्तर पे लेटू नहीं। जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा वाले साहब बिस्तर पे लेटे हों, यानी बीमार होके लेटे हों, अपना सारा काम फुर्ती फुर्तीलेपन से, ऐसे कोई बिल्कुल
तो वही हुआ, मौत के वक्त भी ऐसा ही हुआ। आए हैं, तिलावत की है, फिर उसके बाद गए ईशा की नमाज पढ़ने, सफ में बैठे हुए थे कि गिर गए। सफ से उठा के उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, नमाज की इकामत हो रही है और वहीं अटैक हुआ और वही उनका कब्र का सफर। कितनी अच्छी मौत दी अल्लाह ताला ने कि एक दिन क्या हुआ, बारिश में भीगते भीगते आए हैं घर में और फौरन नमाज के लिए गए तो वालदा ने कहा कि भाई अभी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा अल्लाह बोलेगा ऑफिस से यहां तक पहुंच गए और अब यहां से मस्जिद तक नहीं जा रहे, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ऐसे नमाज के बाबत सऊदी अरब में जब उम्मान में उनकी जॉब थी, कई कई घंटे का गर्मियों का रोजा होता था, लोग छोड़ देते थे। वाले साहब कहते थे मर जाऊंगा रमजान का रोजा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए रमजान का रोजा कैसे छोड़ा। तरावी कभी नहीं छूटती थी, रमजान का रोजा कभी नहीं छूटता था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई थी नहीं उनमें, ऐसी किसी की तारीफ करना गलत है, मगर अल्लाह ने मजमूई लिहाज से उनमें बड़ी सिफात रखी थी। ये सिफात कैसे पैदा हुई, अल्लाह ने एक बुराई से बचने की तौफीक दे दी। तो मैंने ये अच्छा, तो उसी में उनकी मौत वाकई हुई है और रात को 12 बजे इंतकाल हुआ। उनके सारे काम ऐसे होते थे मोटे